कोरोना की महामारी उत्तर प्रदेश में एक विकराल रूप ले चुकी है। पिछले 24 घंटे में लगभग 15,500 नए संक्रमण के केसेस आए हैं और अकेले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4,444 मामले सामने आए हैं। अगर आप अस्पतालों में चले जाइए, लंबी कतारें लगी हुई हैं, घंटों घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, उनके कोरोना की जांच नहीं हो पा रही है और हॉस्पिटल से वो बीमारी लेकर आ रहे हैं, कोरोना का संक्रमण लेकर आ रहे हैं, उनके जीवन को खतरा बना हुआ है। जब वो जांच कराने जाते हैं घंटों घंटे इंतजार करना पड़ता है। दूसरा, अगर बीमारी और संक्रमण ज्यादा बढ़ गया, हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए जाते हैं, घंटों घंटे बेड के लिए लाइन लगानी पड़ती है, उनको बेड का इंतजाम नहीं हो पाता, कई लोग हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मर जा रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ दे रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसे पीड़ादायक और दुखदायक दृश्य आपको लखनऊ के नर्सिंग होम्स के अंदर और सरकारी हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगे। एक तस्वीर मैंने डाली थी, मुख्यमंत्री जी के आवास से 500 मीटर की दूरी पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल है, वहां एक कोरोना का मरीज किसी रूम में नहीं, किसी हॉस्पिटल के अंदर के बेड में नहीं, बाहर पड़ा हुआ था। और अगर कोरोना के संक्रमण के कारण अगर सरकार की लापरवाही और बदहाली और बद इंतजामी के कारण आपके किसी प्रियजन की जान चली गई, आपके पिता की जान चली गई, आपके मां की जान चली गई, आपके भाई की जान चली गई, जब आप उसकी लाश लेकर भैंसा कुंड के सौदाह गृह में आते हैं तो वहां घंटों घंटे लाश जलाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। यह है उत्तर प्रदेश की दुखदायी तस्वीर। कोरोना की जांच के लिए लाइनें, बेड पाने के लिए लाइनें, और अगर जीवन चला जाए तो लाश जलाने के लिए लाएं। और इस बदहाली से निपटने के लिए आदरणीय आदित्यनाथ जी की सरकार क्या कर रही है, आदित्यनाथ जी की सरकार में कितनी गंभीरता है, मैं 2-3 चीजों से आपको बताना चाहूंगा। आदित्यनाथ जी की सरकार, जब आप कोरोना की बीमारी से करा रहे हैं तो वो क्या कर रही है, ये देखिए आप, ये एक व्यक्ति हैं अमित मिश्रा, ये बाकायदा नाम लिख रहे हैं कि इनके फोन नंबर पर फर्जी जांच की गई। ये कपिल जी हैं, ये अपना पूरा डिटेल लिखकर डाल रहे हैं कि मेरी पत्नी तो सितंबर 2020 में पॉजिटिव आई, तो फिर मेरे पत्नी के नाम पर निगेटिव रिपोर्ट कैसे आ गई। ये सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, सबसे बड़ा खुलासा यह है, आपको जानकर हैरानी होगी कि आदित्यनाथ जी की सरकार इस कोरोना की महामारी से किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है, आपकी जिंदगी से किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है। 7,343 मामले फर्जी जांच कर दिए गए, एक ही नंबर पर 7,343 लोगों की जांच कर दी गई और उनकी सबकी रिपोर्ट निगेटिव दे दी गई। इसका मतलब लोगों की जांच नहीं हो रही है और रिपोर्ट निगेटिव दिखा दी जा रही है। और ये आपकी बिरादरी के एक व्यक्ति हैं, पुनीत जी, ये पत्रकार हैं, इनके फोन नंबर पर एक निगेटिव जांच रिपोर्ट आ गई। इन्होंने कहा भाई मैंने तो अपनी कोरोना की जांच ही नहीं कराई, फिर रिपोर्ट कैसे निगेटिव आ गई। इसका मतलब कोरोना की महामारी के साथ आदित्यनाथ जी की सरकार आपराधिक लापरवाही कर रही है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आज लोगों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कोरोना के आंकड़े निगेटिव दिखाने के लिए फर्जी नंबर पर जांच कर दे रहे हैं,
जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं उनको निगेटिव दिखा दे रहे हैं, जो है ही नहीं दुनिया में उनके नाम पर निगेटिव रिपोर्ट बना दे रहे हैं। बेड का इंतजाम नहीं, आपने कहा 2000 वेंटिलेटर का इंतजाम कर रहे हैं, आईसीयू बेड का इंतजाम कर रहे हैं, कहां 2000 बेड आपकी, कहां पर है 2000 बेड, कहां पर है वेंटिलेटर का इंतजाम, कहां पर है ऑक्सीजन का इंतजाम? आप दिखाइए आदित्यनाथ जी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को गुमराह करना, लोगों को भटकाना, ये किस प्रकार का आपका कि आपकी सरकार चल रही है। जब मीडिया में हल्ला मचा, चारों तरफ जब इसको लेके बवाल खड़ा हुआ, तो अभी पता चल रहा है कि 80 प्लेटफॉर्म नए बनाए जा रहे हैं सिर्फ लाशें जलाने के लिए। मैं आज बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी आपकी प्राथमिकता क्या थी? जब उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, जब उत्तर प्रदेश में लोगों की जांचें नहीं हो रही थी कोरोना की, जब इसकी शुरुआत हुई कि दोबारा महामारी प्रवेश कर चुकी है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ कराह रहा है इस बीमारी से, लोगों की जान जा रही है इस बीमारी से, उस समय आपकी प्राथमिकता क्या थी? आप उत्तर प्रदेश में रहते और इस कोरोना के संक्रमण से लड़ने का इंतजाम करते, लोगों के लिए बेड का इंतजाम करते, ऑक्सीजन का इंतजाम करते, वेंटिलेटर का इंतजाम करते, लेकिन आपने क्या किया? फर्जी रिपोर्टें बनवाई, कोरोना के संक्रमण को मजाक बना के रख दिया, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और खुद चले गए आप बंगाल प्रचार करने के लिए। आपकी प्राथमिकता चुनाव है, लोगों की लाशें बिछी रही हैं, आपको दर्द नहीं होता, शव जलाने के लिए कतारें लगी रही, आपको दर्द नहीं होता, आपको आदित्यनाथ जी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की चिंता है। ये चुनाव की चिंता छोड़कर उत्तर प्रदेश की चिंता कीजिए, बहुत बंगाल घूम लिए आप, बहुत चुनाव प्रचार कर लिया आपने, अब जिन लोगों ने 325 सीटें आपको दी है थोड़ी चिंता उनकी भी कर लीजिए। और ये बदइंतमा इंतजामी का जो हाल आलम है लखनऊ के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं मांग करता हूं कि तत्काल केंद्र की सरकार हस्तक्षेप करे, महामहिम राज्यपाल जी हस्तक्षेप करें, यहां कोरोना के नाम पर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, हस्तक्षेप कीजिए। और जिन लोगों ने फर्जी रिपोर्ट बनाई है, एक एक नंबर पर 7343 रिपोर्ट, जिन लोगों की जांच हुई नहीं उनके नंबर पर निगेटिव रिपोर्ट, जिन पत्रकारों की जांच नहीं हुई उनकी निगेटिव रिपोर्ट, ये जो फर्जीवाड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के नाम पर हो रहा है, ये जो भूतों की जांच उत्तर प्रदेश में की जा रही है कोरोना के नाम पर, इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और इस सरकार के खिलाफ महामहिम राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए केंद्र सरकार को कि आज ये हालत हो गई है उत्तर प्रदेश में कोरोना की, ये हालत हो गई है। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.